दोस्तों आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आप अपने एयरटेल की सिम के नंबर को किसी दूसरे नंबर पर फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो उसको किस तरह से कर सकते हैं फॉरवर्डिंग से होता क्या है दोस्तों कि आपकी उस सिम पे कॉल नहीं आता बल्कि आपके नंबर पे जो कोई भी पर्सन कॉल करता है उसका कॉल उस नंबर पर चला जाता है जिस नंबर पर आपने अपने रियल नंबर को फॉरवर्ड किया होता है तो अगर आप भी इसके बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं कि अपने एयरटेल के नंबर को किसी अदर दूसरे नंबर पर किस तरह से फॉरवर्ड कर सकते हैं तो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा जरूर देखिएगा लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरे आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो वीडियो आप देख रहे हैं अगर आपको वीडियो पसंद तो सबसे पहले आपको इस वीडियो को लाइक कर देना वीडियो, कर कर वीडियो अपलोड करूंगा मिल जाया करेगी तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों अगर किसी भी रीजन से आप भी अपने एयरटेल के मोबाइल नंबर को किसी अन्य नंबर पर फॉरवर्ड करना चाहते हैं किसी अदर नंबर पर फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको करना क्या दोस्तों की आपको सिंपली अपने डायलर पेड को ओपन

इस तरह से आपको नंबर एंटर कर देना है जिसपे आप अपने एयरटेल के नंबर को फॉरवर्ड करना चाहते हैं और इसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे हेच टाइप करना है और इसके बाद अपनी एयरटेल की सिम से इस कोड को आपको डायल कर देना है जैसे आप अपनी एयरटेल के नंबर से इस कोड को डायल करेंगे आपका एयरटेल का नंबर इस नंबर पे फॉरवर्ड हो जाएगा जो भी नंबर आपने यहाँ पे एंटर किया है और ऊपर की साइड नोटिफिकेशन पैनल में आप जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको देखने को मिल रहा है कॉल फॉरवर्डिंग ऑन इस तरह से आपकी सिम पे कॉल फॉरवर्डिंग ऑन हो जाएगी अब इन फ्यूचर अगर आप इसे वापस डीएक्टिवेट करना चाहते हैं तो उसको किस तरह से करेंगे चलिए उसका भी मैं आपको प्रोसेस यहाँ पे बता देता हूँ तो उसके लिए आपको फिर से अपने डायल पेड में आना इसके बाद यहां पे आपको टाइप करना है दोस्तों हैज, हैज, इसके बाद आपको टू वन और फिर से आपको हेच इस तरह से आपको दो बार हेच टाइप करना है फिर टू वन टाइप करना है उसके बाद अगेन आपको एच टाइप करना है और इसके बाद अगेन आपको अपनी एयरटेल की सिम से इस कोड को डायल कर देना है जैसे आप इस कोड को डायल करेंगे आपके नंबर पर जो कॉल फॉरवर्डिंग आपने ऑन की थी वो यहाँ पे डीएक्टिवेट हो जाएगी और फिर से आपके एयरटेल के नंबर पर आपके कॉल आना स्टार्ट हो जाएंगे तो इस तरह से दोस्तों अगर आप भी अपने एयरटेल के नंबर पर कॉल फॉरवर्डिंग को एनेबल या डिसेबल करना चाहते हैं तो इस प्रोसेस को फॉलो करके आप बहुत आसानी से कर सकते हैं तो दोस्तों अगर आपका जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आपने तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि इन फ्यूचर में आप लोगों के लिए जो भी अपलोड उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करे तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही मिलता है नेक्स्ट वीडियो में